हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप कि सब बढ़िया होगा, ठीक ठाक। और ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, इस बार मैं सीधे 8-10 दिन के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली बीच में मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए मैं अपडेट नहीं रह पाया, लेकिन अब उम्मीद है कि वीडियो कंटिन्यू आएगा। ओके, और आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं आप लोगों को ट्री बनाना सिखाऊंगा। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नेचुरल ट्री और जुगाड़ लगा के क्रिएटिव वर्क होगा थोड़ा। ओके, तो आज का वीडियो बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो उसमें फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, उसमें भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और जो कुछ भी जैसा लगता है वीडियो कमेंट करके अपना फीडबैक दे देना बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्री बनाने के लिए आज जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको चाहिए कुछ मटेरियल जो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले प्लास्टिक चाहिए आपको। वाटर कलर से हम लोग बनाने वाले हैं ट्री, तो ये मेरा वाटर कलर पेपर है। आपको लेना है प्लास्टिक, थोड़ा पतला होना चाहिए बट क्लीन होना चाहिए, ठीक है? और अगर क्लीन नहीं हो तो उसको अच्छे से आप साफ कर लें, ठीक रहेगा। ओके, और ये प्लास्टिक ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, तो आपको जितना बड़ा ट्री बनाना है उसके हिसाब से आप इसको काट लें। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पीस इसको कर दिया है काट के। तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ और अच्छे से। ओके, लेना है ब्रश। सबसे पहले तो आपको बनाना है कलर यहाँ पर। तो लेता हूँ, पहले लेमन येलो, पहले आपको कलर बनाना है। वाटर कलर के साथ ट्री बनाना बहुत आसान नहीं होता, खास करके जो बिगिनर है उनके लिए, क्योंकि ट्री जो हम बनाते हैं ना उसमें हमको उसका नेचर दिखाना होता है कि वो कितना सॉफ्ट है, ठीक है? और वो सॉफ्टनेस ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, वो चीज नहीं हो पाता है। तो वो सॉफ्टनेस दिखाने के लिए ये ट्रिक आप अपना सकते हैं और बड़े आराम से एक नेचुरल ट्री बना सकते हैं। तो ये लेमन येलो यहाँ पर लिया, हल्का यहाँ आप ले लो रेडियंट ग्रीन। कलर थोड़ा ज्यादा बनाना है। ओके, और ये लेमन येलो को आप इधर भी रख लो थोड़ा। आप चाहे तो इसको ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, आप चाहे तो उसको बगैर ड्रॉ भी बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, ड्रॉ कर देता हूं बहुत ही लाइटली, एक रेंडमली कर दे रहा हूँ ड्रॉ, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। बहुत रेंडम फॉर्म में करना है, सिर्फ एक दाग लगाना है आपको बस, क्योंकि वाटर कलर कर रहे हैं तो आप ऐसे भी बहुत डार्क ड्राइंग नहीं कर सकते। ओके, इतना ही ड्राइंग करते हैं हम लोग। और अब हम लोग इसमें
भरते हैं कलर, ठीक है। तो यहाँ पर लेमन येलो ले लिया। कलर तो सबसे पहले आपको अच्छे से बनाना है कि कलर कम नहीं पड़ जाए, और नहीं तो फिर कलर मिसमैच हो जाएगा। इसलिए कलर पहले यहाँ पर बना लेना है आपको। ओके, यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा गैम्बोज, लेमन येलो, ग्रीन हल्का टच है दोनों कलर को डल करने के लिए, मतलब कि एक लाइट ग्रीन लेना है आपको, ठीक है। मिड टोन के लिए मैंने लिया लेमन येलो, रेडियन ग्रीन, ठीक है। एंड डार्क टोन के लिए मैंने क्या लिया, शेप ग्रीन, हल्का उसमें ब्रंट शाना टच है, थोड़ा सा शेप ग्रीन को वो डल करेगा, थोड़ा सा डार्कनेस वाला फीलिंग आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तीन कलर मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, ब्रश नहीं यूज करना है, अभी प्लास्टिक को उठाना है, आपको इसको ऐसे मोड़ना है, ठीक है। वाटर कलर में क्या करते हैं हम लोग, लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। तो पहले क्या करना है, लाइट कलर को अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि सोर्स ऑफ लाइट कहां से होगा आपके पेंटिंग में। ओके, तो चलो मैंने लिया लाइट यहां से, ठीक है। तो अब जो भी लाइट एरिया होगा वो लेफ्ट साइड होगा। आपको क्या करना है, प्लास्टिक को मोड़ना है, पहले लाइट कलर को उठाना है ऐसे, और यहां पे करना है अप्लाई। जहां जहां भी लाइट का इफेक्ट पड़ेगा वहां पर पहले आप इसको कवर कर दें। इसके बाद क्या होता है, मिड टोन, ठीक है। अब डार्क की तरफ आ रहा है धीरे धीरे, क्या लेना है आपको, मिड टोन लेना है, ये वाला जो ग्रीन बनाया है, और अब उधर नहीं अप्लाई करना है आपको, पैलेट में बस कलर आपका ज्यादा होना चाहिए, और नहीं तो प्लास्टिक में उठेगा नहीं। ओके, अब क्या लेना है, डार्क टोन, शेप ग्रीन लिया आपने, ओके। अब चाहिए आपको ब्रश थोड़ा सा डिटेलिंग करने के लिए, और थोड़ा सा पत्तियों का इम्प्रेशन देने के लिए। ओके, तो कोई भी आप ले सकते, थोड़ा पॉइंटेड ब्रश जो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वो ले सकते हैं। इधर से शेप ग्रीन लेना है, एंड ब्रंट शियाना लेना है, और क्या करना है आपको, इम्प्रेशन बनाना है साइड में, सिर्फ किनारे किनारे, बस आपको ज्यादा नहीं करना है काम। कुछ ज्यादा मसाला डालोगे तो फिर वो क्या होगा, तो जो प्लास्टिक से जो बनाया आपने वो दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन वाला जो फील आ रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। वाटर कलर में जो लोग भी लैंडस्केप बनाते हैं ना, जो भी वाटर कलर कर रहे हैं, ज़्यादातर बिगिनर्स को मैंने देखा है कि उनसे ट्री नहीं बन पाता है, सॉफ्टनेस नहीं रह पाता है। वाटर कलर से ट्री बनाने का तरीका ही अलग है, वो डिटेल भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ इम्प्रेशन चाहिए, लेकिन उसका सॉफ्टनेस चाहिए आप बस। ओके, अब लेते हैं हम लोग ट्रंक।
देखते हैं अगर यहाँ पर और कहीं पे डार्क लेगा, अगर हमको चाहिए तो हम दे सकते हैं। फाइनल टच जो भी देना है याद रखना वो डार्क कलर के साथ देना है, लाइट कलर के साथ नहीं, क्योंकि लाइट आपने पहले ही अप्लाई कर दिया है, अब लाइट करने का मौका नहीं है आपके पास। तो आपको डार्क कलर के साथ इम्प्रेशन बनाना है, इस तरह से जो भी थोड़ा सा डॉट डॉट वाला जो हम फीलिंग डालते हैं वो वाला बनाना है। अब क्या करना है, आपको लेना है ट्रंक। ट्रंक बनाने के लिए तो मैं थोड़ा घुमा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे मैं कौन सा कलर ले रहा हूँ। आपको लेना है ऑरेंज, परमानेंट ऑरेंज और ब्रंट सियाना। ओके, थोड़ा गैम्बोज टच कर देते हैं इसमें ऑरेंज को डल करने के लिए। और पहले इसका ट्रंक में कलर लगा दो। अब लाइट हम लोगों ने लिया है लेफ्ट साइड से, तो ट्रंक में जो डार्क एरिया होगा वो होगा राइट साइड का। तो ब्रंट सियाना आपने लिया, इसको ड्राई होने से पहले एक बार इसे टच कर दो ताकि ऑरेंज और जो मिड टोन आप दे रहे हैं ये वाला, वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से मर्ज हो सके। अब अभी आपको लेना है डार्क टोन, तो लेना है ब्रंट सियाना और इधर हल्का आपको टच करना है फ्रेंच अल्ट्रा मैरिज, ताकि ब्रंट सियाना के ऊपर थोड़ा सा वो हावी हो सके और वो थोड़ा सा ब्लैक वाला फील आ सके। अब यहां पर थोड़ा सा शेडो गिर रहा होगा, पेड़ इतना घना है तो यहां पर भी गिरेगा। ओके, अब गया पेड़ का शैडो जो गिर रहा है, तो इसको आप इधर ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ और दे देता हूँ फीलिंग, तो ये सब आप चाहे तो बना सकते हो चाहे तो नहीं बना सकते, क्या है काम आपको ट्री में करना है। ओके, तो फाइनली ये ट्री जो है वो कंप्लीट, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं लगाओगे। ठीक है, अब अगर आपको ट्री जिस कलर से भी बनाना चाहे, वो येलो रखना चाहते हो, अगर आप ब्लू रखना चाहते हो, आप अगर रेड रखना चाहते हो, तो बस आपको क्या करना है उसका लाइट टोन डार्क टोन मिड टोन बनाना है और एक प्लास्टिक रखना है जुगाड़, और अब बड़े आराम से इस तरह से बिल्कुल नेचुरल टाइप वाटर कलर ट्री बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, जैसा भी लगा होगा बताना कमेंट में। ओके, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो उन लोगों के लिए जो ड्राइंग या पेंटिंग सीखना चाहते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।